अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खड़े से होंगे। आज जैसे कि मैं आपके लिए बहुत सारे मज़ेदार व्लॉग और कुछ रेसिपियाँ लेके आती हूँ, आज भी आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। आज मैं आलू अंडे की ग्रेवी बनाने वाली हूँ, कैसे बनेंगी आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ले लिए, उसमें अंडे और आलू जो हैं धो के डाल लिए। अब हम इसको पहले सबसे पहले उबाल लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेप मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। ये वीडियो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बारिशों की और सैलाब की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं और घर से बाहर नहीं जा सकते, सब्जियां वगैरह नहीं ला सकते, वैसे ही हम भी बाहर नहीं जा सकते। ये वीडियो मेरी पुरानी वीडियो पड़ी हुई है, इसलिए मैं अब अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अभी न्यू वीडियो बन नहीं रही, तो इसलिए मैंने सोचा जो वीडियोज़ मैंने पहले की बनाई हैं वो मैं अपलोड कर दूँ। चलें, अब हमारे आलू और जो हैं अंडे हमने पानी में डाल लिए हैं, अब हम इसको उबाल लेते हैं। उसके बाद ही आप देख सकते हैं आपके सामने धुआं ही धुआं हो रहा है किचन में, जो है हमारे कुकर हमने खोल लिया, प्रेशर खोल लिए, उसमें आलू अंडे उबाइल कर लिए हैं, वो हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल के फटाफट छील लेते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, और प्याज का पेस्ट भी बनाया हुआ है, और 1 चम्मच जो है अदरक का पेस्ट, और 1 बड़े साइज़ में टमाटर है हमारे पास यहाँ पे, और कुछ हमारे पास लाल मिर्चें और कुछ हरी मिर्चें। उसके बाद हमने एक पतीली चढ़ा लिया चूल्हे पे, उसमें हमने 1/2 कप जो है ऑयल का डाल लिए। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और जो है प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जितना ही ज़्यादा हम इसको फ्राई करेंगे उतना ही जायका इसका अच्छा आएगा। साथ साथ में हल्का हल्का पानी का छट्टा मारते जाएंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करते जाएंगे। हम इसको ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो है हमारा हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, आपको देखने में देखते हुए पता चल रहा होगा ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। उसके बाद जो हमारे पास बाकी मसाले थे, टमाटर और जो मिर्चें थी, वो भी हम इसमें डाल लेते हैं। अब हम टमाटर और मिर्ची डाल के भी अच्छे से इसको इसमें फ्राई कर लेते हैं। अब इसको फ्राई करते रहेंगे और थोड़ा सा पानी डाल लेंगे इसमें। उसके बाद आप देखिए हमारा पेस्ट कितना ही अच्छा लग रहा है, कितना ही प्यारा बन गया। उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जो है ज़ीरा डाल लेते हैं और 1 चम्मच जो है हम नमक ऐड कर लेते हैं इसमें। और नमक के बाद ही हम इसमें रेड मिर्चें ऐड करेंगे, वो भी हम 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे, क्योंकि ये चम्मच छोटे हैं, हम 1.5 चम्मच डाल लेते हैं। अगर बड़ा चम्मच हो तो हम 1 ही यूज़ करेंगे। और हम चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा हल्दी ऐड नहीं करेंगे। अब अच्छे से हम इसको भून लेंगे। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना ही प्यारा कलर निकल रहा है सालन का, जो ग्रेवी हम तैयार कर रहे हैं उसका। उसके बाद जो है हमने आलू इसमें छील लिए थे, आलू ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आलू हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे, आलू जो है हम पहले ही गला चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा ज़ोर से चम्मच भी नहीं मारेंगे, क्योंकि आलू बिल्कुल टूट ना जाए, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता हलाएँगे। और साथ ही हमने अंडे भी जो हैं उबले हुए अंडे भी छील के रख लिए हैं। और हम इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा सा, जितना हमें ज़रूरत होगी उतना पानी डालना है इसमें। उसके बाद 1-2 उबाला आएगा पानी को, उसके बाद हम इसके ऊपर अंडे रख लेंगे और ये हमारा अंडा ग्रेवी जो है वो रेडी हो चुका है। और उसके बाद जब हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, उसके बाद हम ऊपर पुदीना और
पुदीना और सूखा धनिया डाल लेते हैं और थोड़ी सी साथ में सूखी मेथी भी। और ये हमारी अंडा ग्रेवी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जिसको मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। और जिसको मेरी रेसिपी पसंद आई है वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए। आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।